सो हम क्या कह रहे हैं कि अब हमने तो ये कर दिया कि भाई इंसर्ट तो हो गया। अब प्री ऑर्डर अगर करना चाह रहे हो, प्री ऑर्डर, अब आपने, आपका ट्री बन चुका है, ठीक है ना। अब फर्ज कीजिए आपका ट्री बन चुका है, ठीक है, इसमें ये है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, फर्ज में से 20 है, इसमें 30 है, इसमें 40 है, इसमें 60 है, उसमें 70 है, ठीक है। क्या बनाया मैंने, ये मानो 20 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 15 है, ये 40 है, ये 90 है वगैरह, और ये 100 है, ठीक है। अब इसको प्रिंट हमें करना है। अब प्रिंट किस डिस्प्ले, आप किस हिसाब से करोगे, बिकॉज हमारे पास दो तीन तरीके हैं ना, या तो प्री ऑर्डर करोगे, या इन ऑर्डर करोगे, या पोस्ट ऑर्डर करोगे, है ना। तो अगर आपको प्री ऑर्डर करना है, क्या प्री करना है, पहले ऑर्डर। आपको देखना है कहीं ट्री 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 है क्या, ट्री रूट है ना। तो रूट को जी पता है कि अगर रूट सर, नल है उसका मतलब ट्री तो है नहीं, है ना। अगर रूट नॉट नल एट नहीं ऑल। है मतलब उसमें उसमें कोई ना कोई नोड का एड्रेस है, तो जितने नोड है उतने नोड है, वो तो है ना। जी सर, तो उसमें क्या करेंगे हम काम, फिर से यहाँ पे स्ट्रक्ट रिकॉर्ड है, उसके बदले बीटी लिखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर भी बीटी लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि हमने किया ना टाइप डिफ। ओके हाँ जी। कहाँ गए आप लोग, समझ आ रहा है, नहीं आ रहे है? कुछ इश्यू है मेरे ख्याल से। इधर ही है सर, हाँ थिरुरास्कर। सीमित। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग इज वी आर सेइंग दैट वी वांट टू प्रिंट दिस। नाउ इफ यू वांट वांट टू प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले रूट को प्रिंट करते हैं ना। प्री मैं किसको करेंगे, पहले रूट को, फिर लेफ्ट राइट। तो इसलिए मैं क्या करूं काम, पहले मैं जब मैंने इसको प्री ऑर्डर को कॉल की, तो उसको मैं रूट भेज रहा हूँ, इसका जो रूट है ना, इसका नाम मैंने ट्री रखा हुआ है, तो आप रूट कर देना चाहिए इसको। तो ये जो मैंने रखा हुआ है, तो पहले मैंने ये भेजा, तो पहले आप क्या करो, ट्री एरो डेटा को प्रिंट करो। ट्री एरो डेटा क्या करो, प्रिंट ये इसका लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में ये पॉइंट कर रहा है इसको, राइट में इसको पॉइंट कर रहा है ना। अब पहले प्रिंट करो, रूट प्रिंट हो गया, हो गया 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप काम, आप जब ये प्रिंट करेंगे, उसके बाद आप खुद को ही कॉल करेंगे। आप क्या करेंगे, खुद को कॉल, जब जब खुद को कॉल होती है, उसके बाद इसका ये चीज जो है बैकलॉग में अभी है, ये करना बाकी है, लेकिन इसने क्या किया, खुद को कॉल, वहां पे क्यों सर, वहां पे परसेंटेज 12 क्यों है? ऐसे 12 स्पेसेस देता है थोड़ा। 12 स्पेसेस देते हैं। ठीक हाँ 12 LD, परसेंट ठीक LD ही करना है, मगर 12 थोड़ा सा स्पेस कर देगा, ठीक है। ओके अब सर, यहाँ पे हम क्या करें काम, हम खुद को ही कॉल कर रहे हैं, यानी कि इतना चीज हमने किया, अभी ये चीज बैकलॉग है, पहली वाली कॉल को, जो पहली वाली कॉल हो गई उसमें ये इतना, ये वाली लाइन 87 लाइन कोड भी बाकी है, और मैं खुद को ही क्या भेज रहा हूँ, ट्री एरो लेफ्ट, ट्री एरो। सर अब ट्री एरो लेफ्ट जो है, थोड़ा सा मिस हो गया, आप फिर से बोलिए। मैं तो फिर हम पहले से ही पहले बोल, प्रिंट कर रहे हैं डेटा रूट का, एक मिनट मुझे आप ये बताओ, फिर एक सेकंड। अगर मेरे पास ट्री ये है, कि मेरे पास ट्री ऐसा है, 20 10 40 हाँ30, इतना काफी, इतना लेते हैं फिलहाल। हाँ मुझे बताओ, जी आप सर, जब प्रिंट करोगे प्री ऑर्डर में, तो पहले क्या हो जाएगा प्रिंट, रूट पहले लेफ्ट रूट होगा लेफ्ट। क्या, लेफ्ट होगा बे, प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर में पहले प्री किसका है, प्री रूट की बात हो रही है, प्री प्री इन या पोस्ट हाँ किसकी बात है, रूट की, पहले कौन प्रिंट होगा, ट्वेंटी रूट, रूट, फिर लेफ्ट राइट, अब फिर टू 10 ट्वेंटी होगा प्रिंट। के बाद ये जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट खुद रूट फिर है, राइट। ये खुद रूट है, ठीक हाँ है, 10 फिर 10, फिर किसको प्रिंट होगा, फिर जाएगा लेफ्ट, ये 30, खुद रूट है, हाँ तो 30 प्रिंट होगा, फिर 30 वापस आएगा, और 40, ये वापस आएगा इस ये 20 के 40 पास, है है ना। ना। 20 का हाँ लेफ्ट भी वो हो प्रिंट गया, कर खुद भी हो गया, लेफ्ट हो गया, रहे सारा हैं, इसका ये हो गया। अब क्या होगा, अब राइट हो जाएगा, राइट नाइनटी अब 40 हो 40 जाएगा। हाँ ये जो चीजें ये कर रहा है, पहले 20 कर रहा है प्रिंट, फिर लेफ्ट जा रहा है, ये खुद को ही कॉल कर रहा है, क्योंकि हम अलग अलग कोड नहीं ना हाँ लिखेंगे, हमें वो पता है कितने एलिमेंट्स हैं, जी, 50 एलिमेंट्स हैं, 50 बार लिखना है, अगर 10 एलिमेंट्स है 10 बार लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिव कॉल मारते हैं, हम खुद को ही कॉल मारते हैं, यानी कि पहले जब हम इसके ऊपर आ जाएंगे, प्री ऑर्डर पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जब इसको कॉल हो जाएगी पहली बार, तो ट्री यानी कि पहला जो रूट यहाँ पे है, इसका नाम ट्री है, वो हम भेजेंगे इसको। क्या वो नल है, नहीं है, क्योंकि वो इसको प्रिंट कर रहा है, अगर नल है तो फिर तो करना ही नहीं चाहिए कुछ, है ना। अगर अगर नल नहीं है,
तो आप प्रिंट करो ट्री एरो ओके। नाम, ट्री एरो नाम को क्या करो प्रिंट, हो गया 20 प्रिंट। अब खुद को कॉल हो रही है फिर से, ये आपकी एग्जाम्पल है रिकर्शन जो आप पढ़ रहे हो ना उसका एग्जाम्पल है, मगर जी उसमें सर, स्टैक, थोड़ा स्टैक का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें ये कैसे हो ओके। रहा है कि मतलब क्यों, मतलब हो क्या रहा है कि जब इसको कॉल कर रहा है अभी बाकी है ना, और ये करना 87 लाइन ऑफ कोड रखना है ना बाकी, मतलब ये एड्रेस ही स्टैक में रख रहा है, इसको कैसे पता कि मुझे अब कौन सी लाइन करनी है इसमें से बाकी, वो स्टैक से देखेगा वो एड्रेस की कहाँ पे मैं हूँ। हो सकता है इसके बाद और 10 लाइंस हैं अभी बाकी, उसने नहीं की वो, तो ये जो जहां जहां पे ये था वो एड्रेस स्टैक में रख रहा है। ठीक है, रिकर्शन में वो एड्रेस स्टैक में रख रहा है ताकि जब वापस आएगा ना ये अनकॉइल करेगा उस जगह पे आएगा जहां से कॉल हुई थी, उसके बाद वाली लाइंस ऑफ कोड शुरू करेगा अब करना। वो एड्रेस कहाँ पे रखेगा, वो स्टैक के अंदर रखेगा। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं उसके बाद लिख सकते हो फिर। ठीक है, अभी उतना मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब पहली बार जब हुआ, पहली बार जब कॉल हुई ट्री के अंदर रूट, ये वाला जो रूट है वो दिया था हमने, इसलिए क्या वो नल है, नहीं है, तो ट्री एरो नम, यानी कि ट्री एरो नम जो है वो 20 है, उसको प्रिंट करो। ट्री एरो नम को प्रिंट करो, 20 को हो गया प्रिंट। ये जो लिंक है, ये वाली लिंक इसको पॉइंट करती है, ये वाली लिंक 40 को पॉइंट करती है ना, पास में आई। और 40 के इधर भी नल है, इधर भी नल है, 10 के इधर भी नल है, इधर भी नल है। ठीक है, नहीं, इधर नल नहीं है, इधर 30 है इसको। ठीक है, 30 को यहाँ नल है, यहाँ नल है। फिलहाल मैंने प्री ऑर्डर में इसको कॉल मारी, खुद को कॉल मारी, लेकिन भेज क्या रहा हूँ, ट्री एरो लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट। क्योंकि प्री ऑर्डर में हम पहले रूट प्रिंट करते हैं, फिर लेफ्ट और फिर राइट, तो इस ऑर्डर में लिखते हैं, राइट लेफ्ट रूट। तो जब लेफ्ट भेजना है तो ट्री एरो लेफ्ट भेजो। ट्री इस वक्त ये है ना, ट्री एरो लेफ्ट। लेफ्ट कौन हो गया ये, अब ये जो है पहली पहली बार जो ट्री में गया था वो ये गया था, अब ट्री में क्या कौन जा रहा है, ट्री एरो लेफ्ट, यानी कि अब की बार जो कॉल हो रही है, यानी कि जो अंदर से कॉल हो गई, यहां से ये वाली कॉल जो हो गई खुद को, ठीक है ना, अब इस ट्री में कौन कॉपी हो गया, ट्री टेन एरो लेफ्ट, ट्री एरो लेफ्ट, 10 नहीं, 10 का एड्रेस जो है हाँ, 10 का एड्रेस जो है। ये हो गया, ये जो बॉक्स में बना रहा हूं, ठीक है, ये हाँ पॉइंट जी रहूंगा, सर। यानी कि अगर यहां से बात करेंगे ट्री एरो लेफ्ट, ये वाला ट्री एरो लेफ्ट ये कॉपी हो गया इस ट्री में। ठीक है, अब यहां बताना क्या ये, अब ये जो ट्री है ये कौन है, इस वक्त जो आप कॉल हो रही है ये ट्री एरो लेफ्ट हाँ है, ट्री एरो लेफ्ट। क्या ये नल नहीं है, नहीं है, अगर ये नल होता तो वहां तो हर चीज होती नहीं कुछ, फिर ये करना ही नहीं था, मगर ये नल नहीं है, क्योंकि ये नल नहीं है तो प्रिंट करो ट्री एरो नम। अब हाँ ट्री इस रूट हो वक्त कौन जाएगा है, इस वक्त 10। ट्री ये बंदा है, ट्री ये है, तो ट्री एरो हाँ नम बन प्रिंट बिल्कुल करो, दैट इज 10, 10 को प्रिंट करो। ठीक है, हाँ जी अब सर। फिर से ट्री एरो लेफ्ट ये कॉल हो जाएगी, ट्री एरो लेफ्ट हो जाएगी, अंदर से दूसरी कॉल होगी, जो पहली कॉल हुई थी उसमें ये लाइन नंबर 87 बाकी था है ना, अब जब दूसरी कॉल हुई उधर भी लाइन नंबर 87 बाकी है, उस कॉल को भी राइट नंबर 87 बाकी है ना, जी सर। अब जो दूसरी बार एक कॉल उसमें भी ये करना बाकी है ना, ये वाली लाइन, राइट वाली लाइन, उस वक्त मत की, क्योंकि जब प्री ऑर्डर को हो रही है कॉल, ये पूरी फंक्शन को कॉल हो रही है ना, जी जब सर। पहली बार हाँ कॉल हुई ये पूरी फंक्शन कॉल हुई, अब जब अंदर से कॉल हुई तो पूरी फंक्शन को कॉल हुई, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन हमने ना इसमें की ना ही इसमें की, अब तीसरी कॉल होगी है ना, खुद को ही तीसरी कॉल यस होगी, ये रिकर्शन है ना, खुद को कॉल कर रहा है ना ये, जब यहां से मेरी तरफ देखो, मेरी शक्ल जाकर दिख रही है उसमें कुछ कॉर्नर पे, जब जी सर। हाँ ऊपर लाइंस ऑफ कोड हम फंक्शन कर रहे हैं ये सॉरी फंक्शन थी, लेकिन इस फंक्शन में चलिए यहां से इसने जंप मारा खुद को वापस है ना, तो जी ये जो नीचे वाला लाइन ऑफ सर। कोड है अभी करना बाकी है, तो दूसरी बार कॉल की, अब तीसरी बार कॉल कर रहा है, क्योंकि 10 इसने जब प्रिंट किया, अब तीसरी बार, अब इस वक्त ट्री ये है ना, ये वाला बंदा, अब ये भेज रहा है ट्री एरो लेफ्ट, यानी कि ये भेज रहा है ये चीज, क्या भेज रहा है, ये चीज भेज लेफ्ट। है ना, अब ये भेज रहा है, अब ट्री हमारा जो इस वक्त कॉपी हो गया, इस ट्री के अंदर जो कॉपी हो गया वो ये वाला, ये है हमारा वो। ठीक है, ठीक है, क्या ये नल है, नहीं है नल, क्योंकि इसमें 30 है ना आगे, इसका एड्रेस है ना 30 का एड्रेस, तो करो जी प्रिंट, सर। नल नहीं है तो करो प्रिंट, तो प्रिंट 30 हो जाएगा, हो गया प्रिंट 30 प्रिंट। एग्जैक्टली ओके, जी। जब 30 प्रिंट हो जाएगा, अब
अब फिर से कॉल मारेगा ये प्री ऑर्डर को, अपने आप को ही कॉल मारेगा चौथी कॉल, ठीक है। पहली कॉल ऊपर से आई थी जो मेन से आई थी, जब आपने चॉइस दी जी थी सर, मुझे जी सर, प्री ऑर्डर डिस्प्ले करना। दूसरी कॉल, तीसरी और चौथी कॉल अब हो जाएगी, और भेजेगा क्या इसको, एक ट्री एरो लेफ्ट, यानी कि इसका लेफ्ट, यानी कि ये भेजेगा ये वाली चीज जो मैं अब थर्टी लिखा। अब ये जाएगा ट्री में, ठीक है, गया, ओके, ये ट्री में गया। जब ये ट्री में गया, मगर ये नल है इस वक्त, है ना, तो मैं यहाँ जी पे कह रहा हूं क्या ट्री एरो नल नल नहीं है, मगर है नल, तो ये है कंडीशन ना। फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये इफ कंडीशन कोई नहीं चलेगी, ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी इस बारी, मत चलेगी, ये फंक्शन खत्म हो गई। यानी जी कि जो जो, जो चौथी कॉल मैंने की, क्या की, जो चौथी कॉल की, चौथी कॉल उसमें इफ कंडीशन नहीं मेन में चला, जाएगा। अब कोई स्टेटमेंट बाकी नहीं है, मत है। हाँ हाँ ये क्यों नहीं चलेगा इफ ये, हम तो उसको बोल रहे हैं ट्री नॉट इक्वल टू नल है। तो यहाँ पे कहाँ, यहाँ तो नल है इस वक्त, जो 30 का लेफ्ट है ना, वहां तो नल है ना। लेकिन ये तो लेफ्ट है ना उसका। जब चौथी कॉल हो गई तो उस वक्त ट्री के अंदर कौन है, ये वाला पॉइंटर है ना, इस ट्री एरो लेफ्ट, इसका ट्री एरो लेफ्ट भेजा था ना मैंने, जो ट्री एरो लेफ्ट भेजा था, यानी कि ये भेजा था ना हमने, अच्छा, लास्ट पे आ गया, अभी लास्ट पे आ गया, अब तो ये नल है, अब अब ये तो ये वो कंडीशन नल है। नहीं चलिए चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, तो अभी इस मेन बार पे ये जाएगा वापस आएगा, जहां पे इस बार कॉल क्या हुआ था आएगा, ये वापस वापस। जाएगा। वापस किधर जाएगा, जो आपने यहाँ पे इसको कॉल मारी थी उसकी एक लाइन भी बाकी थी, उसकी एक लाइन अच्छा भी, उसकी एक लाइन भी बाकी बाकी थी, ये वाली कॉल की एक लाइन बाकी थी, तो ये तो अपने आप को ही कॉल करेगा, यार अभी अपने आप को फिर से एक कॉल करेगा, यानी कि एक और कॉल अच्छा चलेगी अपने आप को। यहां से तो वापस आ गया, ये तो फिनिश हो गया, लेकिन यहाँ पे इसने चौथी, अब जो लास्ट लाइन इसको बची थी ना, इसमें से इसने देखा है D7 लाइन ऑफ कोड, वो राइट प्री और उसमें क्या बचेगा, ट्री एरो राइट, क्या बचेगा, हालांकि उसमें ट्री फोर्टी यही है, अभी हम यहीं पर हैं, फोर्टी अब ये ट्री एरो राइट, इसका अच्छा राइट डी में सर है, अब ये राइट नल। भेजेगा, हो सकता है ना कि यहां से मत हो। अब इसका हाँ जो है ये नल है, नार्मल ये नल है, अगर ये नल है तो ये इफ ये और कंडीशन भी नहीं इसका चलेगा चलेगा नहीं, ये पूरा खत्म हो गया, और ये वापस आ जाएगा, ऊपर। और ये वापस इसी के ऊपर आ जाएगा, इस वाली कॉल को, जो मगर अब ये वाली रूट कॉल होगा है ये। हाँ ना, इसमें ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया ना, इसका पूरा कंप्लीट, ये वापस आएगा इस वाले को, अब इसका राइट करेगा, यानी कि अब ये यहां पे आएगा, जी ठीक है, सर, क्योंकि इसका ये यहां राइट से वापस गया एग्जैक्टली अब सर। इसके पास, अब ये जो मेरा ट्री था इस वक्त, अब ये इस वक्त ट्री ये था, अब इस इसका कॉल राइट। के लिए, इस वाले कॉल के लिए, अब इसकी एग्जैक्टली लास्ट लाइन सर, ऑफ कोड, अब इसकी लास्ट लाइन ऑफ कोड वो कौन है, कोड प्री ऑर्डर और अपने आप को ट्री कॉल एरो करो, राइट मगर भेजो क्या, ट्री एरो राइट, राइट अब राइट इसका राइट भेजेगा, अब इसका क्या भेजेगा, इसका 40 राइट भेजेगा, वो 40 है, वो इसका एड्रेस है, फिर क्या वो नल है, ऊपर नहीं चढ़ेगा है वो। नल, वो नल नहीं है, तो प्रिंट करो 40, प्रिंट करो 40, फिर उसका लेफ्ट भेजेगा, वो नल आएगा, फिर वापस जाएगा ऐसे जैसे ये गया, फिर उसका राइट भेजेगा, वो हाँ भी नल है, मेन पे तो जाएगा। वो भी नहीं करेगा, वो वापस जाएगा इसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, रूट पे। इस तरीके से ये सारा ट्री, चाहे लेफ्ट हो राइट हो, ये करता जाएगा, बस में आई, जी जी सर सर, इजी है सर, एग्जैक्टली। तो आपको कुछ सिंपल बात यहाँ पे, नहीं। आपको सिंपल याद रखना है कि प्री ऑर्डर में क्या करेंगे आप, आपने पहले जो प्रिंट करना है वो रूट करना है प्रिंट, तो पहले आप रूट को फिर प्रिंट लेफ्ट करो, हो राइट। फिर लेफ्ट भेजो, फिर राइट अच्छा भेजो, ठीक है, तो इन ऑर्डर में यही चीज होगी, बिल्कुल। इन ऑर्डर अगर हम करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें उसमें रूट, इन ऑर्डर में क्या करना है, हमें रूट इन लेफ्ट ऑर्डर में रूट राइट हमको पहले लेफ्ट करना है, फिर रूट करना है, फिर राइट फिर करना है ना, रूट करें फिर राइट तो करें। इसलिए पहले आप प्रिंट मत करो, पहले आप भेजो कौन, ट्री एरो लेफ्ट, पहले ही अपने आप को कॉल करो, अपने आप को कॉल करो, भेजो ट्री एरो, कुछ मत प्रिंट करो, ट्री एरो लेफ्ट भेजो, यानी कि इस ट्री में जाएगा ट्री एरो लेफ्ट, यानी कि पहला ही नोड है उसका हाँ लेफ्ट जाएगा, यानी कि ये 20 जो होता है प्रिंट होगा ही नहीं, ये इसका लेफ्ट भेज रहा है, यानी कि ये बंदा भेज रहा है ना, तो उसकी हाँ दो, अभी दो लाइंस उसकी बाकी है इस फंक्शन की, दो, एग्जैक्टली जब ये कॉल हो गई अंदर से, दो लाइंस बाकी रह गई है ना, जी सर तो फिर जो वो कॉल होगी वो अपना लेफ्ट भेजेगी, अगर मानो फर्ज हाँ की उसने अपना लेफ्ट भेजा, हो गई यहाँ पे, अब अगर इसमें यहाँ पे 30 था ना, अब ये नल है, अब जब ये नल है ये चीज चलेगा नहीं, ये वापस आएगा इस पे, है ना, ऊपर जाएगा। हाँ अब फिर ये प्रिंट करेगा, इसका फिर ये प्रिंट, फिर करेगा ना ये प्रिंट, और उसके हाँ बाद राइट भेजेगा, उसके बाद क्या भेजेगा, राइट, यानी कि अगर मेरे पास है राइट ना 20, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 40, यहाँ पे मानो है 50,
यहाँ पे है 60 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको पहले इन लेफ्ट, ऑर्डर अगर में कर रहे हैं, इन ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले लेफ्ट लेफ्ट रूट राइट, मैं यहाँ पे गया पहले इसका लेफ्ट, ये खुद रूट है, भेजो इसका लेफ्ट, है ना। हाँ अब यहाँ पे खुद ये 50 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट 50, फिर फिफ्टी इन ऑर्डर इसका 50, राइट इसका रूट, इसका राइट कैसे, ये इन ऑर्डर है ना, रूट रूट इसका रूट दैट इज 30, 30 फिर राइट, सिक्स, फिर इसका राइट हाँ 60, लेफ्ट फिर जाएगा 20 के पास, 20, अब ऊपर, 20 प्रिंट करेगा, है ना, फिर 40। हाँ हाँ उसी क्योंकि लॉक हो गया तरीके से होगा जब इसने लेफ्ट, पहले ये लेफ्ट भेजेगा, क्या भेजेगा, जो पहला नोड है इसका लेफ्ट। लेफ्ट भेजेगा, भेजा इसने 30, ठीक है। जब कॉल होगी फिर से, जब खुद से कॉल होगी वो उसका लेफ्ट भेजेगी, जो लेफ्ट है तो इसका लेफ्ट भेजेगी, आ इसका गया ये। लेफ्ट, हाँ अब 50, चूंकि ये नल आ इसको जाएगा, हाँ इसको नल आ रिपीट जाएगा, कर, फिर ये इसका करेगा शुरू करना कौन, इसका ये लाइन ऑफ प्रिंट। कोड जहां पे ये 50 को प्रिंट करेगा, या 50 को प्रिंट, उसके बाद ये उसको राइट भेजेगा, अब इस 30 का राइट भेजेगा 60। जब राइट भेजेगा उसमें वो उसका लेफ्ट भेजेगा, चूंकि वो नल है यहां से, है ना, ये वापस हाँ आएगा, फिर दूसरी लाइन करेगा इसका ट्रू एरो नंबर, करेगा प्रिंट 60, हो गया 60 प्रिंट, फिर उसका राइट भेजेगा, वो नल है तो इसलिए वापस आएगा 30 पे, ठीक है, 30 पे आ फिर गया आएगा 30 पे वो, वापस, फिर 30 से वापस हाँ जाएगा 20 पे, 20 का लेफ्ट हो ट्वेंटी गया, फिर ट्वेंटी उसका का हाँ लेफ्ट राइट भेजा करेगा था, 40। अब 20 प्रिंट करेगा ये, क्योंकि पहले ये लेफ्ट भेज रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, फिर राइट, तो लेफ्ट भेजा था वो हो गया, उधर से वो कॉल्स होगी रिकर्सिव कॉल्स, अभी वापस 20 पे आएगा तो 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद उसका राइट भेजेगा, ठीक है, राइट 40। एंड सो ऑन। समझ में आई या नहीं आई, जी ठीक सर आई, है। मैं सोचता था बाइनरी सर्च ट्री भी आज करेंगे, लेकिन मैं थक गया। अब इसी तरीके से अगर हम देखेंगे आपका पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में पहले क्या होगा, अगर हमारे पास 20, ये है 30, ये है 60, और ये लेफ्ट है राइट 40, और रूट ये है 50, पहले कौन लेफ्ट भेजेगा, राइट ये भेजेगा पहले लेफ्ट, 30, लेफ्ट 30 खुद रूट है, भेजो राइट लेफ्ट, जब लेफ्ट भेजा पहले राइट पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट राइट एंड रूट, है ना, रूट तो भेजो इसका लेफ्ट, दैट्स 40, करो प्रिंट 40, फिर फोर्टी वापस आओ 30 मत प्रिंट करो, क्या कौन सा प्रिंट करो, फिफ्टी 50 राइट प्रिंट फिर करो, फिर रूट वापस आओ थर्टी फिर करो 30। थर्टी अब यहाँ पे जब आ गए रूट ये सर वाला रूट हमने किया, अब 20 पे वापस आ गए या हम, अब 20 का लेफ्ट हो गया, अब इसके राइट में राइट जाओ, हो दैट इज गया 60, राइट उसके 60, बाद फिर 20 करो, आएगा तो वही ये रूट करेगा, पहले 20। हाँ लेफ्ट भेजेगा, फिर राइट भेजेगा, फिर जाके ये करेगा प्रिंट, है ना, इसने इसका लेफ्ट जी भेजा, सर उधर फिर से कॉल होगी, वो अपना लेफ्ट भेजेगी, अब इसकी ये दो कॉल्स भी बाकी हैं, राइट एंड दिस, ठीक है, इसने लेफ्ट भेजा, अब ये इसका अपना क्या भेजेगा, अब ये हो गया ना इसका लेफ्ट, वहां पे नल आ गया, तो ये भेजेगा अब ये वाला ट्री एरो राइट, इसका राइट भेजेगा, वो नल है, वापस आएगा, तो लेफ्ट इसका, इस नोड का लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, दोनों नल है, अब करो रूट प्रिंट, दैट इज 40 प्रिंट करो, अब ये प्रिंट करो, है ना, फिर ये वापस आएगा, इसका लेफ्ट हो गया 40, अब इसका राइट भेजेगा, है ना, पहले लेफ्ट के बाद क्या भेजना है, राइट, अब भेजना राइट राइट 50, जब 50 भेजा उसका लेफ्ट जी भेजेगा, वो नल है, राइट भेजेगा नल है, फिर 50 प्रिंट करेगा, पहले लेफ्ट भेजता है, फिर राइट भेजता है, फिर जाके प्रिंट करता है, हो गया 50 प्रिंट, अब आएगा वापस, 30 का लेफ्ट भेजा राइट भी भेजा, अब इसका लेफ्ट भी हो गया राइट भी हो गया, अब क्या राइट करेगा भी हो गया, प्रिंट, अब प्रिंट करेगा भी 30, करेगा हाँ थर्टी। अब गया 20 के पास वापस, वो ना रिकर्सिव कॉल्स, 20 में इसने अपना लेफ्ट भेजा था, अब ये वो 20 भी सारा प्रिंट करेगा, पहले सिक्सटी राइट भेजेगा, राइट में 60 है, 60 का लेफ्ट भेजेगा, लेफ्ट नल है, फिर राइट, उसका राइट भेजेगा, राइट नल वो है ना, भी नल है ये भी फिर नल रूट है, हो ये भी नल जाएगा। है, हाँ फिर 60 प्रिंट होगा, हो गया प्रिंट, अब जाएगा इसके पास, का लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब इसकी सिर्फ ये लाइन ऑफ कोड बाकी है, दैट इज टू प्रिंट दिस 20, दैट 20 प्रिंट हो, एंड सो ऑन। समझ में आया नहीं जी आया, सर होप यू कराया। गॉट इट, ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो बाइनरी सर्च ट्री में ज्यादा नहीं लगेगा हमें पास, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में सर वो सिर्फ भी एक ऐसे चीज ही है, है, सेम कोड है तकरीबन, लेकिन एक ही चीज उसमें है कि इंसर्शन ऐसे नहीं होता, इंसर्शन के लिए ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 20 है, नया नोड फॉर एग्जाम्पल आ गया 30, 30 लेफ्ट में नहीं जा सकता, ये राइट में जाएगा, बिकॉज दिस हैज टू बी ग्रेटर देन, अगर 30 ग्रेटर देन 20 है तो राइट में जाएगा, अगर हाँ नया राइट में नोड 20 से लेस देन है तो राइट में जाएगा जाएगा, ठीक है ना, अगर 30 है किधर जाएगा, इधर, राइट अगर नया नोड 15 आ गया, वो ऐसे रैंडम नहीं होगा, जैसे हम अभी भर रहे थे, हम में। 20 भर रहे थे, फिर ये भर रहे थे, फिर ये भर रहे थे, फिर ये भर रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना बाइनरी ट्री में, लेकिन बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं चलेगा, बाइनरी सर्च में की देखनी पड़ेगी, अगर 20 है
अब नया नोड क्या है, 30, 30 20 से बड़ा है, तो ये इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड नहीं जाएगा। बीटी कहाँ से आ रहा था, लेफ्ट साइड बढ़ रहा था, बाइनरी आ रहा था लेफ्ट साइड बढ़ते बढ़ते आता था, उसने लेवल भरी फिर जी नेक्स्ट लेवल पे सर। जाता था, है ना। तो बाइनरी पहले पहली लेवल कंप्लीट लेफ्ट से शुरू, फिर दूसरी लेवल कंप्लीट एंड सो ऑन, है ना। अगर फिर बचता तो इधर से जी बचे, सर। लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा, इसने 20 भरा, अब अगर 30 बड़ा है तो उसको राइट भरो, अब अगर है 15, अगर 15 छोटा 20 है से तो छोटा तो हाँ। इधर जाओ, अब आ गया फॉर एग्जाम्पल 19, 19 20 से छोटा तो इसके लेफ्ट जाओ, वहां 15 है, 15 से बड़ा 15 19 का तो उसके लेफ्ट। राइट जाओ, तो ऐसे अच्छा बनेंगे राइट। ना। दिस विल बी कॉल्ड एज बाइनरी अच्छा सर्च ट्री, सर्च ट्री जो कि बहुत ही उम्दा ट्री है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट। सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ये फर्ज कीजिए, अब आपको मानो आपको 100 भेजना, यहां से मानो इसके लेफ्ट में 200 नोड्स है, अगर आपको 100 है, 100 पता है वो 20 से बड़ा है, वो यहां से हो ही नहीं सकता, तो आपको यहां राइट सर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अगर बाइनरी ट्री होता हो तो पता नहीं किधर था, वो किधर भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, उधर तो हर एक चीज ढूंढना पड़ेगा ना, तो सर्चिंग वॉज फिर वेरी इसमें वेरी ग्रेटर टफ, रूट। हाँ तो बाइनरी ट्री में सर्चिंग बहुत मुश्किल है। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में लॉगरिथमिक है, क्योंकि आप बिल्कुल एक हाफ ऑफ द ट्री आप सर्च ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ की देखने से, ग्रेटर है ना। जनरल रिकॉर्ड ये ना। हाँ तो लो दूसरे में इसका हाफ हो जाएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30 है, 100 किधर से होने वाला है, इधर से, अगर इधर से 1,000 नोड भी होंगे वो देखने ही नहीं है, वो स्किप हो जाएगा। ना। हर बारी में प्रॉब्लम हाफ हाफ होती है, हर स्टेप में प्रॉब्लम क्या होगी, हाफ हाफ हाफ, आप हर बार ये आधा आधा ट्री काट रहा है, पहले ट्री में ये सारा लेफ्ट ट्री इसने काटा, सेकंड में देखा इधर इसका लेफ्ट पहले। सारा कटा, इसका राइट जाएगा, अब इसमें अगर इसके लेफ्ट में है तो इसका राइट सारा कटेगा, इसके यहाँ जाएगा, ठीक है। सो ये जी चीज हम सर करेंगे अब कल मेरा जी ख्याल है, सर। ठीक है, ओके। सर अभी आप 3 वीडियोस बन गई है ना सर। हाँ इसकी 3 वीडियो बन गई, इंशाल्लाह मैं चढ़ाऊंगा वो तीनों, ओके ठीक सर है। शुक्रिया ओके सर। जी जी मेरा सर ख्याल, मैं सोच अस्सलाम रहा था आज वालेकुम। बीएसटी पढ़ेंगे लेकिन टाइम आ गया, है ना, और थक भी गए मैं थोड़ा सा, अब कल करेंगे इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह जी सर। ओके। देन वी विल डू एवियल ट्रीज, जो इसका है ना, थर्ड थर्ड बाइनरीज एंड एवियल ट्रीज, वो चीजें हम करेंगे, क्योंकि ट्री सर ट्रीज में ही एवियल अब। ट्री कौन से वाले होते हैं आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो। सर, एवीएल ट्री कौन से वाले होते हैं। उसमें हम बैलेंसिंग करेंगे, सर वो बीएसटी के ही एग्जांपल्स हैं लेकिन वहां पे बैलेंसिंग फैक्टर हो जाता है, तो वो सर पहले बैलेंसिंग फैक्टर बाइनरी क्या सर्च है ट्री पढ़ना है या एवीएल। जी। सर पहले बाइनरी ट्री पढ़ना है या एवीएल। हमें बाइनरी ट्री तो हमने पढ़ा ना, बाइनरी सर्च ट्री अब बाइनरी पढ़ना है, सर्च ट्री सॉरी। अच्छा हाँ डेफिनेटली बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे, जब बाइनरी पढ़ेंगे तभी तो उसका बच्चा एवीएल पढ़ेंगे ना, जब अच्छा पापा को वो नहीं उसका पता तो ठीक बच्चे ठीक कैसे ठीक पढ़ोगे, जब आपको बीएसटी पता नहीं है तो जी फिर उसकी बैलेंसिंग कैसे करोगे आप, ठीक है। जी सो वो सर हम बाद में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट, फिलहाल तो कल होगा बीएसटी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह। फिलहाल क्योंकि आपको एबिलिटी वगैरह नहीं है, बट यू कैन बी ऑल्सो इन अ क्लास, क्योंकि ये आपको मदद जी लगेगा सर आगे, जी इफ यू वॉन्ट टू बी, इफ यू सर वॉन्ट टू स्टे जरूर इन अ सर। क्लास योर चॉइस, इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी इट्स योर चॉइस। आई विल फिलहाल हम, स्टे। हाँ फिलहाल मैं इसका रस का सिलेबस कंप्लीट करूँ, ठीक है ओके जी। सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।